क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश, आज आपके लिए सुपर 25 पार्ट 27 लेकर के आया हूं। और आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो 19 अगस्त 2017 का शिफ्ट 3 है। हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 सॉल्व कर लिया है और हम आज शिफ्ट 3 पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज शिफ्ट 3 में हमें किस प्रकार का क्लोज टेस्ट और कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और वन बाय वन हम पहले सबसे पहले क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर सारे शॉर्ट क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लोज टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। क्लोज टेस्ट के लिए पहले हम बता दें, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, कि सिंगल रीडिंग हम क्लोज टेस्ट की करते हैं यहाँ पर, और किस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको देखना है, और कैसे हम क्या मैं रिड्यूस करता हूँ आखिर एक बार पैसेज को रीड करके, उसके बाद फिर कैसे हम ऑप्शन के थ्रू कौन ऑप्शन को कैंसिल करके कौन कौन से और फिर कौन सा करेक्ट ऑप्शन की तरह हम पहुँचते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज इनफ। The book store owner turned librarian Hussein. मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़पेपर में अक्सर आता है। अगर आपको न्यूज़ पढ़ते हैं, मैं तो एडिटोरियल पढ़ाता हूँ ज़्यादातर, बट न्यूज़ अगर आप पढ़ें द हिंदू की, तो इसमें बहुत ज़्यादातर इस तरह यूज़ होता है। द बुक स्टोर ओनर टर्न लाइब्रेरियन, इसका मतलब पहले वो बुक स्टोर का ओनर था। किसका था? बुक स्टोर का ओनर, मालिक था बुक स्टोर का, टर्न लाइब्रेरियन, उसके बाद वो लाइब्रेरियन बन गया, जॉब लग गई उसकी, जॉब हो गई, या फिर प्राइवेट होगा तो, या फिर एडहॉक पे होगा। मींस कहने का कि पहले बुक स्टोर पे था और अब लाइब्रेरी हो गया, तो वही कह रहा है बुक स्टोर ओनर टर्न्ड लाइब्रेरियन हुसैन, हुसैन नाम का शख्स, टू असेस इट्स वैल्यूएबल कंटेंट्स, मतलब कहने का असेस मतलब मूल्यांकन करने के लिए, इसके वैल्यूएबल कंटेंट्स मतलब इसके मूल्यवान कंटेंट जो भी जानकारी दी है। तो दिस वॉज इनफ डैश, यह पर्याप्त है इसके लिए, बुक स्टोर ओनर लाइब्रेरियन हुसैन के लिए, टू मूल्यांकन करना इसके वैल्यूएबल कंटेंट्स को। अब क्या कोई बुक वगैरह होगी उसी कंटेंट्स को मूल्यांकन करना होगा, है ना। द प्रेफरेंस ऑफ द बुक रीड, जो प्रेफरेंस नहीं है, प्रीफेस है, प्रीफेस मतलब जो फर्स्ट पेज, प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं। तो प्रस्तावना जो बुक का है उसमें क्या लिखा है, पेंटर्स डैश टेक्निकल नॉलेज टू पेंट, पेंटर के पास टेक्निकल नॉलेज होता है ऑफ टू पेंट, पेंट करने का। अब आपको भरना है वर्ब होता है, क्या भरना है वो लिखना है। बट लेकिन लेयर टू अंडरस्टैंड नेचर, लेकिन प्रकृति को समझने में कमी होती है, मतलब उनके पास प्रकृति को समझने की क्षमता नहीं होती, या फिर कहने की समझ नहीं होती है। डैश दे फेल टू क्रिएट मास्टरपीस, और वो मास्टरपीस होता है कि जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ या फिर सबसे ज्यादा अच्छा हो, जिसके जैसा बन ही ना सके, ऐसे मास्टरपीस को, बहुत ही बेस्ट जो उनका क्रिएशन होता है उसे बनाने में सफल होते हैं। तो क्यों? उनके पास लेक टू अंडरस्टैंड नेचर होता है, मतलब नेचर को समझने की क्षमता नहीं होती या फिर समझ नहीं पाते, इसलिए वो, तो इसलिए कि आपको सेंस में तो कुछ भरना है तो आप थर्ड में भरेंगे। पॉइंट्स आउट हिज हुसैन, ये सब चीजें किसने कही? हुसैन ने पॉइंट आउट की, बताई। एडिंग, ये कहते हुए, ऑल आई इन माई लाइफ, जो भी मैंने अपने जीवन में किया है वो क्या किया है, इज अबाउट बुक्स, वो क्या है, किताबों के बारे में है, एंड फ्रॉम द बुक्स, और किताबों से ही है। अब जो भी उसने किया है, क्या किया है, फोर्थ ऑप्शन में आपको भरना है। द ग्रैंड लाइब्रेरी, जो बड़ी सी लाइब्रेरी, डैश द पैलेस, पैलेस मतलब महल की, इज ए कैच ऑफ नॉलेज, मतलब कहने का नॉलेज का एक तरह से कैच है, मीन्स कहने का भंडार है, ठीक है, ज्ञान का भंडार है। जो बड़ी लाइब्रेरी है कहाँ की, पैलेस मतलब महल की, वो सबसे बड़ी क्या है, नॉलेज का भंडार है। तो ये मीनिंग था, हुसैन जी हैं कोई, ये कौन है, ये पहले आपके बुक स्टोर ओनर थे और अब ये लाइब्रेरियन बन गए हैं, ये बता रहे हैं कुछ प्रीफेस वगैरह की, थोड़ा सा रीडिंग करके बता रहे हैं, और कुछ ये बता रहे हैं कि जो नेचर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जिन पेंटर्स को, वो क्या करते हैं, मास्टरपीस नहीं क्रिएट कर पाते। तो अब क्या आपको भरना है, आइए भरते हैं अब, है ना। तो हमारा जो वर्क है वो स्टार्ट होता है रियल वर्क। तो दिस वॉज इनफ डैश बुक सेलर, बुक सेलर जो बुक स्टोर ओनर टर्न लाइब्रेरियन हुसैन था, उसके लिए वैल्यूएबल कंटेंट्स को असेस करना, मूल्यांकन करना क्या था, पर्याप्त था। इनफ फॉर द बुक सेलर, तो फॉर है दिस वाज इनफ फॉर बुक सेलर, ये मतलब बुक सेलर के लिए पर्याप्त था, तो के लिए किस सेंस में आ रहा है, फॉर। अब दिस वाज इनफ ऑफ, तो ऑफ प्रीपोजिशन तो आता नहीं है, टू इनफ टू इसके लिए, तो टू बुक सेलर नहीं होता, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है ना, तब तो आता, फॉर आता है, फॉर समथिंग होता है, तो फॉर द बुक सेलर ये होगा। फ्रॉम
तो फ्रॉम आप यहाँ यूज कर नहीं सकते, देर दिस वॉज इनफ फ्रॉम बुक सेलर, बुक सेलर की तरफ से मतलब पर्याप्त था, नो कोई मतलब नहीं। तो आपको फॉर भरना पड़ेगा कि बुक सेलर जो था, बुक स्टोर ओनर टर्न लाइब्रेरियन हुसैन, उसके लिए पर्याप्त था मूल्यांकन करना वैल्यूएबल कंटेंट। तो किसके लिए? बुक सेलर, बुक स्टोर टर्न लाइब्रेरियन के लिए। तो आपको फॉर प्रीपोजिशन यहाँ भरना है, ठीक है। थोड़ा सा सेंस बेस्ड, इंट्यूशन बेस्ड भी होता है, जो आपका अंदर से मन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो आपको आपके ने इंट्यूशन के आधार पर भरने पड़ते हैं, जो आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपको किस हिसाब से सेंस बढ़िया समझ में आ रहा है किस प्रीपोजिशन में। और ये कब काम आता है, ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको खूब सारी रीडिंग आपने की होगी एडिटोरियल न्यूज पेपर की। तो आपका दिमाग नहीं, दिल भी बोलेगा कि यार ये वाली प्रीपोजिशन सही मैच कर रही है क्या, है ना। और अभी तो आपको देख सभी अच्छे लगते हैं, तो आप सभी में से किसी को भी टिक कर देते हैं। आगे देखेंगे द प्रीफेस ऑफ द बुक रीड, प्रीफेस ऑफ द बुक रीड। अब आप कहेंगे कि प्रस्तावना बुक की पढ़ती है, तो प्रस्तावना तो पढ़ेगी नहीं, मतलब प्रस्तावना में लिखा है, इस सेंस में आप पढ़ेंगे कि प्रस्तावना में लिखा है पेंटर्स टेक्निकल नॉलेज। अब पेंटर दूसरे में क्या भरना है, अब हैज हैव वर्क भरनी है, हेल्पिंग वर्क। आप बताइए प्रीफेस पेंटर्स टेक्निकल नॉलेज टू पेंट, पेंटर के पास टेक्निकल नॉलेज होता है पेंट करने का, तो के पास किसी के पास कोई चीज ना, तो हैज हैव आता है सीधा सा, पेंटर्स आप चूंकि प्लूरल है तो हैव आएगा, पेंटर्स हैव। तो आपको क्या करना हैव भर लेना है, हैज कैंसिल कर देना, इन दोनों कोई मतलब नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कोई मतलब नहीं, उनके पास होता है, किसी के पास कोई चीज का होना तो हैज हैव हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ हैज हैव हैड आता है आपका, ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है आपका, जो भी चीज है आपके पास, वो आपका हैज हैव हैड मेन वर्ब के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो हैव का ही फॉर्म होता है यहाँ पर। तो द पेंटर्स हैज हैव टेक्निकल नॉलेज टू पेंट बट लेट टू अंडरस्टैंड नेचर, लेकिन नेचर को समझने की कमी होती है और इसीलिए ये वो फेल हो जाते हैं मास्टरपीस बनाने में। तो इसीलिए का सेंस कौन देगा, इफ दैट दिस हैंस हैंस, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो आपका एडवर्ब आना है, और वो भी का रिलेटिव एडवर्ब जो आपका यूज होगा वो रिजल्ट कंजंक्शन का टाइप का यूज होगा, रिजल्ट बताने वाला। तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है सो हैंस कंसिक्वेंटली देयर फोर, इन्हीं में से कोई यूज होता है। तो यहाँ पे आपको हैंस मिल गया, आप हैंस ले लीजिए, देयर फोर सो कंसिक्वेंटली हैंस, सभी क्या है रिजल्ट बताने वाले होते हैं, है ना। तो इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ हैंस दिया तो आप हैंस ले लेंगे। तो बट लैक टू अंडरस्टैंड नेचर हैंस, इसलिए दे फेल टू क्रिएट मास्टर पीस, पॉइंट आउट हुसैन एडिंग, हुसैन ने पॉइंट आउट किया ये कहते हुए दैट ऑल आई इन माई लाइफ, ऑल सारी चीजें जो भी मैंने अब क्या की है, लर्न लर्न वर्ड भरनी है, ऑल आई इन माई लाइफ। तो आई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ड तो है नहीं, तो आई के बाद हेल्पिंग वर्ब ना हो डायरेक्ट वर्ब भरनी हो तो कितने प्रकार से भर सकते हो आप, दो तरीके हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें डायरेक्ट वर्ब आती है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट जिसमें डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, ठीक है। तो आई आपका सिंगुलर है, ठीक है, उस मतलब कहने का कि आई जो है आपका इसके साथ एस आई एस नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो आई के साथ जो भी आप वर्ब भरेंगे उसमें एस आई एस नहीं लगा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब है कहीं, लर्न तो है नहीं, एस लगा है यहाँ, टू लर्न लिखा है, लर्निंग लर्न, आप क्या है आप वर्ब की सेकंड फॉर्म पर तो लर्न दिया हुआ है, तो मतलब आपको पास्ट इंडेफिनिट में लेना ले जाना है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि आपको प्रेजेंट की टेंस की वर्ब भी नहीं मिल रही है, यहाँ लर्न एस लगा हुआ है तो वो नहीं होगा आपका। All I learned in my life, जो भी मैंने सीखा अपने जीवन में is, वो क्या है, अब सीखने की घटना भी past की है ना, अपने जीवन में उसने कुछ भी सीखा तो वो पहले सीख चुका है, तब बात आज कर रहा है भले, लेकिन सीखा उसने आज ही थोड़ी ना है, पहले सीखा है, तो बाकी घटना past की हो गई, इसलिए भी आप past tense ले लोगे। तो वो भी वो सारी चीज जो भी मैंने अपने जीवन में सीखी इज अबाउट बुक्स, वो किताबों के बारे में है एंड फ्रॉम बुक्स, और मैंने किताबों से ही सीखी है। द ग्रैंड लाइब्रेरी द पैलेस इज ए कैच ऑफ नॉलेज, नॉलेज का भंडार है बड़ी लाइब्रेरी, कहाँ की पैलेस की, तो पैलेस की, तो ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ द पैलेस आप भरे, या फिर ग्रैंड लाइब्रेरी इन द पैलेस होगा आपका, है ना। तो मतलब यह ना यहाँ ऑफ है ना फिर आपका यहाँ इन है, तो आप क्या एड दिया है, एड एड आपका भी आप एड किसके लिए आता है, एड भी आपका प्लेस के लिए आता है, जब किसी प्लेस को आपको इंडिकेट करना है, तो ग्रैंड लाइब्रेरी एट द पैलेस, पैलेस की जो बड़ी लाइब्रेरी है वो क्या है, कैच ऑफ नॉलेज है, ठीक है। तो आपको यहाँ एट भरना है प्रीपोजिशन, ठीक है, फ्रॉम टू ऑफ, तो ये आपको कहीं कोई नहीं भरना, आप पढ़ेंगे भी तो मतलब नहीं निकल गया है। ग्रैंड लाइब्रेरी टू द पैलेस, नो, ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ द पैलेस, दूर, नो, ग्रैंड लाइब्रेरी फ्रॉम द पैलेस, जब लाइब्रेरी है तो पैलेस में ही होगी ना, तो फ्रॉम द लाइब्रेरी, फ्रॉम द और ऑफ का मतलब ही नहीं होता, और टू द तो आप कहीं जा थोड़ी ना, नेगेटिव प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो एट आपका करेक्ट हो जाएगा प्लेस बताने के लिए, माई रूम इज एट दिस साइड, तो यहाँ पर है मेरा रूम, है ना, एट दिस कॉर्नर, या फिर एट दिस टाउन, तो आप ऐसे कह सकते हो, है ना। और इन भी यूज होता है, तो इन है नहीं तो कंफ्यूजन भी नहीं है, एट लगा देना है। तो ये था आज का क्लोज टेस्ट, और ये था हमारा करने का तरीका। अब हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे शॉर्ट क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन तक जाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और इसी तरह
सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं फिर लगातार। ही वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन, वह इतना शानदार व्यक्ति था, इन टू सो मैनी वेज, कई प्रकार से, तो इन टू सो मैनी वेज नहीं होता भाई, इन सो मैनी वेज, ही वॉज सच ए वंडरफुल पर्सन इन सो मैनी वेज, वह कई प्रकार से बहुत शानदार व्यक्ति था, बहुत जबरदस्त व्यक्ति था। तो आपको क्या करना है, इन टू का ये जो टू है ये हटा दीजिए या फिर इन टू काट करके इन कर दीजिए, ठीक है। तो आपका कौन से थर्ड पार्ट मिरर है, मतलब थर्ड पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर में देखेंगे द मैजिशियन प्लेस द बॉल अंडरनीथ ऑफ हिज हेड, मतलब कह रहे हैं पहली बात तो अंडरनीथ आपका ये एक खुद प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ना, तो ऑफ दो दो प्रीपोजिशन होना, ठीक है। द मैजिशियन प्लेस द बॉल अंडरनीथ हिज हेड होता तो आप बहुत समझते है ना, तो एक तो ये भी गलत है कि अंडरनीथ है, लेकिन अब हम जब सुधार करेंगे तो हम कैसे करें। The magician placed his ball underneath his of his head and made a mystic sign above it. क्या करना, magician ने एक ball रखी अपनी head के नीचे और एक जैसे कहते हैं ना कि उंगलियां नचाते हैं कि आवरा कडावरा इस तरह करके पढ़ते हैं दुनियादारी, तो वही mystic sign above it, उसके रहस्यमय कुछ जो है अलग प्रकार के संकेत किए, ऐसे उंगली उंगली फेराई होगी इस तरह करके, है ना, कि जादू टोना कर रहा है ना, तो मैजिशियन होते ही कलाकार आदमी। तो मैजिशियन प्लेस द बॉल अंडरनीथ हिज हेड, तो अंडरनीथ द ऑफ हिज हेड क्या है, एक तो होता पहले अंडरनीथ हिज हेड होता तब भी टॉलरेबल होता, चलो ठीक है ना, फिर जब हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो अंडरनीथ हिज हेड को अंडर हिज हेड ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हेड के एक फ्रेज भी होता है कीप समथिंग अंडर वंस हेड, अंडर मतलब कह रहे कोई चीज किसी के हेड के नीचे रखना, तो प्लेस भी क्या है, कीप का एक साइनोनिम तो है प्लेस माने रखना, कीप माने रखना, तो काफी हद तक उसी फ्रेज से अगर आप चले जाएं तो आप तब भी आपको कह रहे हैं मैजिशियन कीप द बॉल कीप केप्ट द बॉल अंडर हिज हेड, तो आप केप्ट द लिख दें चाहे प्लेस द लिख दें, तो प्लेस और केप साइनोनिम है तो मे भी चल सकते हैं, तो उसी हिसाब से अगर आप यहाँ अंडर की पोजिशन भी कर दे तब भी करेक्ट हो जाएगा, अंडर नीथ ऑफ काट दें तब भी काफी हद तक टॉलरेबल, लेकिन बहुत अच्छा मारा नहीं जाएगा, तो बेहतर यही है कि आप इसे हटा करके और अंडर लिखें, अंडर हिज हेड लिखें, वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो सेवन नंबर का दूसरे पार्ट में एरर है तो दूसरा पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। एट नंबर में आप पढ़ेंगे आवर नेशंस डैश, तो नेशंस क्या है, अपोस्ट्रोफी यानी डिटरमाइनर लगा है, आने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, नाउन होगा, देख रहे हैं शन 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 हर जगह, बहुत कम होते हैं जो शन से जैसे कि वर्ब भी बन जाते हैं, लेकिन वैसे ज्यादातर जो होते हैं टी आई ओ एन से समाप्त होने वाले नाउन होते हैं, सभी नाउन दिए हैं फिलहाल, इनका मीनिंग आप समझ लेंगे, इंटरवेंशन माने हस्तक्षेप, इंटेंशन माने इरादा, इन्वेंशन माने खोज, और परफेक्शन मतलब तो मैंने बोला परफेक्टनेस, एक तरह से आप कह सकते हैं पूर्णति, आप कह सकते हैं संपूर्णता, ये सब चीजें। आवर नेशन हमारे देश की क्या जो है इनटू अनदर कंट्रीज वार, दूसरे देश के युद्ध में कुड पुल अस इनटू डेंजर, हमें संकट इनटू क्राइसिस, हमें संकट में डाल सकती है, हमारे देश का क्या हमें दूसरे देश के युद्ध में, अगर हमारा देश क्या करे तो हमें संकट में डाल सकता है, इंटरवेंशन हस्तक्षेप करे, यस हस्तक्षेप करे यही करेक्ट ऑप्शन, इंटेंशन इरादा करे, परफेक्शन करे, इन्वेंशन करे, नो इनमें से कोई भी चीज नहीं हो सकती, इंटरवेंशन जब किसी दूसरे देश की लड़ाई हो वहां हमारा देश अगर हस्तक्षेप करता है बीच में टांग अड़ाता है तो हमारे हमें क्या है संकट मिल सकता है, संकट में डाल सकता है, तो इंटरवेंशन होगा, नाउन भी है और सेंस भी दे रहा है। अब पुल अस इनटू क्राइसिस, मैं आपको बता दूं क्राइसिस जो होता है सिंगुलर है, एस ई एस हो जाता है, आई की जगह ई हो जाएगा, पीछे वाले आई की जगह ई अगर होगा तो फिर वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज हो गई। नाइन नंबर में देखेंगे एज ए फिटनेस डैश, फिटनेस के रूप में दीप्ति इज ऑलवेज प्रीचिंग, दीप्ति हमेशा से बताती रहती है टू हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग आउट, वर्कआउट करने की इम्पोर्टेंस, जो वर्कआउट मतलब आप जिम में जो करते हो वर्कआउट, तो उसकी महत्व को हमेशा अपने मित्रों को क्या कर रही है प्रीच माने होता है उपदेश देना, मतलब बताती रहती है, हाँकती रहती है बड़ी बड़ी, है ना। तो एज ए फिटनेस, तो अब बता जो भी आप यहाँ पर नाउन डालोगे, अब ये फिटनेस तो आपका नाउन है लेकिन यहाँ पर क्या है एज ए पर्सन ऑफ फिटनेस मीन्स कहने का, तो कह रहे हैं कि अब जो भी नाउन होगा वो दीप्ति के लिए आएगा। इंथजियाज्म होता है द फीलिंग ऑफ इंथजियास्टिक, मतलब उत्साह की भावना होता है इंथजियाज्म, इंथजियास्ट अ पर्सन हु इज फुल ऑफ इंथजियाज्म, जो कि उत्साह की भावना से परिपूर्ण हो ऐसा व्यक्ति, है ना, इंथजियास्टिक ये आपका एडजेक्टिव है, मतलब कहने का आपको उत्साहित है ना, इंथजियास्टिकली है तो ये आपका एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब और एडजेक्टिव तो आएंगे नहीं, आपको नाउन भरना है, इंथजियाज्म भी नाउन है, इंथजियास्ट भी नाउन है। तो आप मैं आपको बता दूं इंथजियाज्म होता है भावना, तो एक फिटनेस की भावना के रूप में दीप्ति, तो दीप्ति भावना थोड़ी ना है, दीप्ति तो एक व्यक्ति है ना, एक इंसान है, तो इंसान के लिए क्या आता है एक ऐसा पर्सन जो उत्साह से भरा हुआ इंथजियास्ट होता है, तो आपको ये भरना है एज ए फिटनेस इंथजियास्ट, एक उत्साह से भरे हुए व्यक्ति के रूप में दीप्ति हमेशा क्या करती है अपने फ्रेंड्स को बताती रहती है वर्कआउट की इंपॉर्टेंस, तो यहाँ ये पर्सन को इंडिकेट करता है, ये फीलिंग को इंडिकेट करता है, इसलिए आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना है।
ठीक है। तो ये तरीका था, यहाँ के दोनों कंफ्यूजिंग है, तो इसे आप थोड़ा नोटिस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में एसएससी में आ सकते हैं इसी तरह के, इसी डायरेक्शन के, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। 9 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब 10 पर डिस्कशन करते हैं। तो 10 नंबर में आपका सिंबल वही सिमिलर मीनिंग खोजना है। फोनेटिक, आपने जो फोनेटिक्स होता है ना, एक कहने का बोलो ध्वनि विज्ञान जिसे हम कहते हैं, तो फोनेटिक्स वही ध्वनि से रिलेटेड है। तो म्यूट क्या होता है, म्यूट मतलब आपका चुप होता है, शांत, रेटिसेंट होता है, कम बोलने वाला। ये टार्केटिव का अपोजिट होता है। सचिन ने इसे 3 से 4 बार 5 बार कम से कम रिपीट किया है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कर लेंगे आप मेरी बात को मानेंगे कि 4 5 बार नहीं सर, बल्कि कहिए 10 बार रिपीट हुआ है। इसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, कभी आपका ये ऑप्शन बन जाता है अदर मतलब क्वेश्चन में, या फिर कभी आपका एंटोनिम सैरोनिम से पूछ लेता है। 3 4 बार तो एंटोनिम सैरोनिम में आया होगा और ज्यादा ही आया होगा, कम नहीं आया होगा। और उसके बाद फिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी 1 2 बार आए हुए हैं। तो अब तो ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि जो एंटोनिम सैरोनिम से वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताता है, पूरी डिफिनेशन लिख देता है ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर की, और उसी का जो है ये मीनिंग जो है वो आपके ऑप्शन में डाल देता है, बताया कि वन वर्ड बताइए, तो वर्ड वर्ड क्या है, पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी है। तो हर मीनिंग, हर वर्ड का सही एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ना है, इसलिए ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर को यूज करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के समय में, ठीक है। आप देखेंगे आप, तो यहाँ पर म्यूट माने शांत रहना, रेटिसेंट कम बोलना, साइलेंट माने भी कम बोलना हो गया, चुप रहना, मौन रहना, स्पोकन माने बोलना। तो फोनेटिक ध्वनि से रिलेटेड, ध्वनि कब आएगी, जब बोलेंगे आप, तो स्पोकन एक है, बाकी सब कम बोलने के लिए या ना बोलने के लिए आ रहे हैं। एक यही डायरेक्शन का वर्ड है जो बोलने के लिए आ रहा है। अब मैंने ये भी बताया था कि 3 जब एक डायरेक्शन के वर्ड हो, चौथा ही आपका ऑप्शन बनता है, इसके चांसेस कितने, 75% 80% चांसेस रहते हैं। 20% कभी कभी केस होता है कि इन्हीं में से जो अच्छा होता है उसको हम चूज कर लेते हैं, जो ज्यादा अच्छा होता है तीनों में से, और बाकी चौथा तो गलत होता ही है, लेकिन यहाँ फोर्थ ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एस्टाउंड होता है एस्टोनाइज, मतलब आश्चर्यचकित कर देना, यहाँ पर भी वही रूल लागू हो रहा है। बीवाइल्ड मतलब भौचक्का कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, ठीक है। टू ट्रैंक्विल मतलब शांत कर देना, सीरीन माने शांत कर देना, प्लेसिड माने शांत कर देना, तीनों का मतलब शांत कर देना, और यहाँ भौचक्का कर देना एक का मीनिंग। आपको एस्टाउंड का मीनिंग भी नहीं पता, आपको इन तीनों का मीनिंग पता है। एस्टाउंड मान लो नया वर्ड है, तो ये तीनों तो प्रीवियस ईयर में सारे बहुत बार रिपीट हुए हैं तीनों, तो इन तीनों का मीनिंग पता है, आप जान गए कि भाई तीनों एक ही डायरेक्शन के वर्ड है। बी वाइल्डर इसका साइनोनिम होगा, है ना, क्योंकि यही इन तीनों से अलग है, तो यही इसका क्या होगा, एक साइनोनिम बन जाएगा। तो इस मेथड से आप कर सकते हैं, तो आपको हर जगह नहीं फायदा करेंगे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि हर जगह फायदा करेंगे, लेकिन हाँ इतनी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ तो ये गारंटी जरूर लेता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर फायदा करेगी, कोई ना कोई ट्रिक आपकी जो है, कोई ना कोई दिमाग, कोई ना कोई लॉजिक कहीं ना कहीं लग रहा होगा, अब आप बस सावधानी पूर्वक उसे लगा पाए, ठीक है। अब ये नहीं कहते कि हर चीज हर जगह काम करेगी, हर क्वेश्चन में काम करेगी, यहाँ पर दोनों में काम की तो हर जगह काम करेगी, फिर आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है, काम करेगी, लेकिन अब वो कहाँ पर काम करती है वो आपको देखना, हो सकता है आपके पेपर में ना करे, आपके अगले शिफ्ट वाला पेपर वहां पर काम कर जाए, तो वो तो लक बेस्ड है, लेकिन इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ तो गारंटी भी कोई ना कोई तो आपके पेपर के लिए भी होगी, वो फिक्स है। अब वो आपको याद रखना है और पकड़ के रखना है कि कौन सी आपके पेपर में काम कर जाती है ट्रिक्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वन, दिए हुए शब्द के अपोजिट मीनिंग वाला शब्द निकालना है। डिस्डेन क्या होता है, डिस्डेन होता है कंटेम्प्ट, अपमान, अनादर जिसे कहते हैं, CONTEMPT, ठीक है, कंटेम्प्ट हो गया। और डेरिजन ये भी आपका र्यूड के सेंस में आता है, स्कॉर्न आपका ये भी अपमान के सेंस में आता है, एडमायरेशन प्रशंसा आता है, और आपका ये जो एंटीपैथी होता है ये घृणा की भावना, डिसलाइक के सेंस में आता है। तो ये क्या, डिसलाइक हो गया, ये भी आपका र्यूड के सेंस में आता है, अभद्र के सेंस में। और ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है स्कॉर्न, स्कॉर्न मीन्स कहने का क्या, आपका कंटेम्प्ट, ये बिल्कुल साइनोनिम होता है कंटेम्प्ट का, और ये डिस्डेन भी कंटेम्प्ट का साइनोनिम है ना। अपोजिट चाहिए, अपमान का क्या होगा, प्रशंसा या फिर सम्मान, तो सम्मान तो है नहीं, एडमायरेशन प्रशंसा के रूप में दे रखा है ना, प्रशंसा या सम्मान, तो सेकेंड ऑप्शन आप चूज करेंगे। ये तो ये यूनिडायरेक्शनल वर्ड्स है, तो ये तो होंगे नहीं कि इनमें से कोई, ठीक है। तो यहाँ भी वो चीज लग रही है। कैनोनिकल, कैनोनिकल होता है मतलब धर्म से संबंधित, उपदेश वगैरह रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, वैधानिक जिसे हम कहते हैं, तो धर्म से रिलेटेड। अब यहाँ पे कह रहा है अप्रूव्ड, सहमत, ऑफिशियल, आधिकारिक, सैंक्शंड मतलब कहने का सहमति भी होता है, और सैंक्शन, सैंक्शन से मतलब होता है प्रतिबंध, ठीक है, और सैंक्शन मतलब कहने का सहमति दी गई, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, जो धर्म से रिलेटेड हो, अनऑर्थोडॉक्स जो धर्म से फ्री हो, मुक्त हो, किसी नियम और कानून से न बंधा हो। और कैनोनिकल धर्म के अनुसार या नियम तर्क संगत वो होगा कैनोनिकल, और अनऑर्थोडॉक्स मतलब सॉरी तर्क संगत नहीं होगा, मतलब धर्म से रिलेटेड किसी नियम से बंधा हुआ वो कैनोनिकल होता है धर्मानुसार। और अनऑर्थोडॉक्स सभी माया मोह बंधन से, रूढ़वादियों से, जो परंपरा है उन सबसे मुक्त, बिल्कुल, तो उसे हम अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपोजिट है, और इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, और यही एसएससी ने भी आंसर दिया था, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं और क्या क्वेश्चन हम करने वाले हैं।
ये 14 नंबर देखते हैं, और 14 नंबर में बहुत अच्छा ये इडियम है, इट गोज विदाउट सेइंग। इट गोज विदाउट सेइंग मतलब कहने का, ये तो जन सामान्य की बात है, आम बात है, मतलब कहने का इट गोज विदाउट सेइंग इसे तो कहने की बात ही नहीं है, आम बात है। तो आम बात होना मतलब कहने का, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं समथिंग विच इज इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस, जो कि इम्प्लाइड किया जाए, निकाला जाए, टू बी ऑब्वियस स्पष्ट रूप से, मतलब कहने का जो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो इस गोड गोज विदाउट सेइंग मतलब इसे कहने की बात नहीं है, तो बिल्कुल जनरल चीज है। तो आपका यह सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं ये वाला जो इडियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट ये क्योंकि एक बार PQRS में आया था। मैं बता दूं PQRS में कैसे आया था, जो आपका S1 सेंटेंस होता है, फिर PQRS होता है, फिर S2 होता है ना, तो जो S1 सेंटेंस था उसमें क्या दिया था, इट गोज विदाउट यहाँ तक दे दिया था। अब PQR में से किसी एक, S में से किसी एक में ना सेइंग से स्टार्ट कर दिया था, तो लड़कों ने तुरंत पकड़ लिया कि इट गोज विदाउट सेइंग होता है, विदाउट से खत्म है और एक सेंटेंस सेइंग से स्टार्ट है, और उसी से उसी वाले सेइंग वाले सेंटेंस को पकड़ के इसमें चिपका दिया और देखा कि उस, जैसे मान लो अगर पी में है तो पी से एक ही सेंटेंस शुरू ही हो रहा था, तो उन्होंने मार के आगे बढ़ गए। तो ऐसे इडियम भी कभी कभी आ जाते हैं जो कि आपको इतना ज्यादा हिंट दे देते हैं कि आपको PQRS देखा नहीं कि 10 सेकंड 15 सेकंड में मार के उड़न शुरू हो गया है ना। 50 नंबर में आप देखेंगे टू लेट समवन ऑफ, तो लेट समवन ऑफ का मतलब आप ऑप्शन भरिए जरा फिर देखिए, टू लेट समवन फॉल किसी को गिरने देना, टू लीव समवन इन प्रेजेंट स्टेट मतलब उसको उसी की दशा में छोड़ देना, टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम किसी को ब्लेम से मुक्त कर देना, आरोप से मुक्त कर देना, टू रिफ्यूज टू आंसर और जवाब न देना। लेट समवन ऑफ को मीन्स होता है उसे अपनी स्थिति में वैसे ही छोड़ देना, ठीक है, तो रिलीज करना नहीं होता है आरोप से, बल्कि होता है उसे उसकी स्थिति में छोड़ देना। लेट समवन ऑफ किसी को मुक्त कर देना, फ्री कर देना, स्वतंत्र कर देना, तो लीव समवन इन प्रेजेंट स्टेट उसके उसे उसकी स्थिति में उसी तरह छोड़ देना, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 16 नंबर में अब आपको इंप्रूवमेंट करने हैं, आइए इंप्रूवमेंट करते हैं। मे बी दे अ फाइट, अब मे बी हो सकता है दे डैश अ फाइट, अब यहाँ पे हेल्पिंग अब यह वर्ब भरनी है। दे हैज, तो दे के साथ हैज तो आता नहीं, ये तो आपको पता है, तो ये तो गलत है, नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं है ना, ये तो आपने कैंसिल कर दिया। अब दे के साथ वर आता है कि वाज आता है, तो वाज भी नहीं आता, तो ये भी कट गया। अब वर आता है, अब वर के साथ वर की आप थर्ड फॉर्म लेते हो कि मतलब आईएनजी फॉर्म लेते हो, तो यहाँ थर्ड फॉर्म भी दिए, हैव की थर्ड फॉर्म हैड दिए, और यहाँ पर हैव की आईएनजी फॉर्म भी दिए। अब आपको चुनना क्या है वो आपको डिसाइड करना है। दे हैव वे आर हैविंग ए फाइट, वह लड़ रहे थे, तो लड़ने का काम कौन कर रहा है ना, हैविंग फाइट होने का काम कौन कर रहा है, दे कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट वर्ब पे काम कर रहा है, तो आपको एक्टिव सेंटेंस लेना है। एक्टिव सेंटेंस वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है, वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी, ये जो होता है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है, वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या है एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस हैविंग फॉर्म, आप देख रहे हो कि दे वो लोग जो है फाइट करने का काम कर रहे हैं, ना कि फाइट उन पर काम कर रही है, वो खुद काम कर रहे हैं वर्ब पर। तो जब वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है तो एक्टिव सेंटेंस होता है, और वर्ब जो है अगर सब्जेक्ट पर काम करती है, मतलब फाइट वाला काम जो है वो दे पर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, दे खुद वो खुद लड़ाई कर रहे हैं, ना कि फाइट उन पर कर रही है ना। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस होगा, इसलिए आपका 16 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। काफी सेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप ये मत सोचिए कि हम ग्रामर तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे लूसेंट से और किसी चीज से तो काम हो जाएगा, आपको सेंस बेस्ड ग्रामर भी आनी चाहिए, और वो आप अच्छी खासी रीडिंग करेंगे, हर अच्छे से मीनिंग समझ पाते हैं सेंटेंस का, तो वो भी आप काम करेगा। देखिए यहाँ पर अगर एक्टिव पैसिव का लोचा हो, अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर मतलब आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर भी तो सही है यार, कंस्ट्रक्शन तो दोनों सही है यार, कैसे होगा, तो रीजन यही था जो मैंने आपको बता दिया। आगे 17 में देखेंगे, वी वुड नॉट वॉन्ट देम टू थिंक, हम उन्हें ये सोचने पर मजबूर नहीं करना चाहते हैं, नहीं इच्छुक हैं, वी डूइंग एनीथिंग इमोरल, हम कुछ अनैतिक कर रहे हैं, मतलब हम उन्हें ये नहीं सोचने देना चाहते कि हम कुछ अनैतिक कर रहे हैं। वी वुड नॉट वॉन्ट, हम नहीं चाहते हैं देम उनसे टू थिंक, कि वो सोचे कि वी डूइंग एनीथिंग इमोरल, कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो देखिए वुड नॉट वॉन्ट, तो ये पहले से आपका आगे, अब इधर क्यों, हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं या कर रहे थे, तो आपको डिफाइन, तो वी आर डूइंग एनीथिंग इमोरल या वी वर डूइंग एनीथिंग इमोरल, तो आर तो दिया नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि डूइंग कोई, ये तो कोई सेंटेंस बना ही नहीं रहा कंप्लीट, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं। अब आपका बचा वाज डूइंग या डन, तो वाज डूइंग वी के साथ वाज आता नहीं है, तो ये आपका कट गया। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कोई टेंस होता नहीं है, मतलब ये भी कट गया। बचा आपका वर डूइंग, ये आपका टेंस भी कंप्लीट करता है और मीनिंग भी दे रहा है पास्ट टेंस में, मतलब 17 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। 18 नंबर में देखेंगे, एक्सेसिवली लेंदी स्पीच, बहुत ही ज्यादा लेंदी स्पीच जो होती है उसे हम कहते हैं वर्बियज, शब्द बाहुल, ठीक है, स्पेलिंग भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखेंगे आप, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही ज्यादा लेंदी स्पीच, शब्द बाहुल जिसे हम कहते हैं उसे वर्बियज कहते हैं।
कंसीजन मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, बहुत ही संक्षेप में, है ना। कर्ट, कर्टेल से कर्ट बना है, लेकिन इसका मीनिंग कर्टेल जैसा नहीं होता। कर्टेल माने संक्षिप्त होता है, लेकिन कर्ट CURT जो होता है इसका मतलब होता है रूड, अभद्र टाइप का, ठीक है, अचानक से होने वाला अभद्रतापूर्ण, ठीक है। और सक्सिंक्ट मतलब भी होता है ये आपका अभद्रतापूर्ण के सॉरी संक्षिप्त के सेंस में आता है, ब्रीफ या कंसाइज के सेंस में आता है, ठीक है। तो ये आपका सक्सिंक्ट हो गया। इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे, याद कर लेंगे इसे स्पेलिंग को। आगे हम देखते हैं 19 नंबर में, एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ, एक मतलब आभूषण जड़ित, कैरीड बाय रूलर, जो कि राजा के द्वारा या शासक के द्वारा लिया जाता है, ऑन ए सेरिमोनियल ओकेजन, मतलब कहने का एक अच्छे से अवसर पर, एज ए सिंबल ऑफ सॉवरेंटी, उसकी प्रभुता के रूप में, संपर्क प्रभुता या संपन्नता के रूप में, संबंध जैसे कि कोई रॉड वगैरह, कोई छड़ी है सोने की या इस तरह की, वो चीज लेकर के अगर राजा जाता है सभा में या फिर किसी इवेंट पे, तो वो क्या है, उसकी संप्रभुता, उसकी वैभवशालिता को दिखाती है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेप्टर। क्या कहते हैं, सेप्टर। वो आयरन रॉड हो सकती है या फिर गोल्डन रॉड हो सकती है या फिर सिल्वर रॉड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सब चीजें हैं। स्पेक्टिकल होता है दृश्य, क्या होता है, व्यू, दृश्य। आप कहेंगे स्पेक्टिकल माने चश्मा होता है, मैं बता दे रहा हूँ स्पेक्टिकल माने दृश्य होता है, स्पेक्टिकल्स ऐसा लग जाएगा क्योंकि चश्मा हमेशा स्पेक्टिकल्स होता है ना कि स्पेक्टिकल होता है। स्पेक्टिकल माने इवेंट या दृश्य होता है, आपका व्यू होता है। स्पेक्टिकल्स जो हमें तो होता है वो आपका चश्मे के लिए आता है, तो चश्मे के लिए स्पेक्टिकल्स एस लास्ट में जुड़ा रहता है, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सिर्फ एक चश्मे की बात करना है तो स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल होता है, इसको सिंगुलर बनाने के आप पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अगर आप पेयर ऑफ आप जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर वर्ब आती है। अगर स्पेक्टिकल्स के साथ वर्ब पूछे आपकी क्या होती है, तो स्पेक्टिकल्स के साथ वर्ब प्लूरल होती है। रिसेप्टिकल क्या होता है, रिसेप्टिकल एक होता है कंटेनर, इसकी स्पेलिंग आई है एसएससी में, और तो इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जीफर होता है, ये एक प्रकार का वर्ड है, इसको आप सॉफ्ट विंड, एक प्रकार की जेंटल सॉफ्ट विंड, बहुत ही मधुर हवा जिसे होती है, हल्की हल्की सलील हवा, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीफर कहते हैं, तो ठीक है। जीफर भी आपको याद करना है, ये नया वर्ड है और इसको हो सकता है एसएससी अगले साल या फिर इसी 2018 में जो है इंट्रोड्यूस कर दे आपके सामने। तो अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो 20 नंबर में आप देखेंगे, आप स्पेलिंग करेक्शन आ गया, तो स्पेलिंग करेक्शन में एक ही रिक्वायरमेंट मैं आपसे बार बार अपील करता हूँ कि आप देखें कि करेक्टली स्पेल्ड करना है कि इनकरेक्टली, तो करेक्टली स्पेल्ड करना है, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड में आप देखेंगे कंट्यूजन होता है, CONTUSION, कंट्यूजन, ये CUN है तो इसलिए गलत हो जाएगा। कंट्यूजन का मैं मतलब बता दूं, गुम चोट, जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है तो सूज आता है, वो अंदर बाहर तो नहीं दिखता कि कहीं खरोच आई कि नहीं, लेकिन अंदर अंदर क्या दर्द कर देता है, उसे हम कहते हैं गुम चोट, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, तो उसे हम कहते हैं कंट्यूजन, ठीक है। ये 2016 के 10+2 के पेपर में आया था, जहां सबसे पहली बार 10+2 का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो 73 सेट्स बने थे और 73 सेट्स में से एक सेट में कंट्यूजन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में आया था, और यहाँ पर इन्होंने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब बताइए आप कि 2016 में, 2016 के पेपर में ये आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, यहाँ स्पेलिंग करेक्शन में आ गया, कितना ज्यादा रिपीट होता है, एक साल का भी गैप नहीं मिलता, वर्ड आ जाते हैं, तो क्या गारंटी नहीं है कि, मतलब क्या गारंटी आप लेंगे कि 2017 के क्वेश्चन जो है 18 के पेपर में ना आए, बिल्कुल आएंगे। तो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए, कोई चांस ना लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से फंस ही जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आप करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको निकला है, तो स्कीमिटर होता है, ये स्कीमिटर की स्पेलिंग ये होती है SCIMITARS, और स्कीमिटर का मीनिंग होता है आपका कृपाण, ठीक है, एक तलवार होती है टेढ़ी टेढ़ी टाइप की, उसे हम कृपाण कहते हैं, जैसे पंजाबी लोग की शायद होती है, उसे हम कृपाण कहते हैं, और उसका जो स्पेलिंग है वो स्कीमिटर्स होता है, ठीक है। 22 में देखेंगे, 3 times दिस वाज, 3 बार दिस वाज ये था, अब क्या था, ऑनली बी कम्पेयर्ड, मतलब कम्पेयर्ड, तो वाज के साथ कभी बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नहीं, वाज के साथ ये तो बींग वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आती है, ऑनली बी कम्पेयर्ड, तो एक्स तो होगा नहीं, ये बात तो पक्की है, एक्स से कोई सेंटेंस भी शुरू नहीं है, मतलब ये बात पक्की थी कि एक्स तो होगा नहीं, क्योंकि हमने दिमाग लगा लिया कि वाज के साथ बी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आती है, वाज के साथ ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या वाज के साथ बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, तो एक्स आपका होगा नहीं। बचा आपका वाई और जेड, वाई और जेड में देखेंगे, शूक विद द नॉइज, दिस वाज शूक विद ए नॉइज, ये दिस वाज शूक, ये क्या था, हिल रहा था, दिस वाज या तो शूकिंग विद अ नॉइज हो, और या फिर आपका, अच्छा ठीक है, शूक विद अ नॉइज, विद द नॉइज लिखा, दैट कैन, जो दैट कैन ओनली बी, अब देखिए कैन के बाद ये ओनली बी कंपेयर्ड, जिसे तो कैन के बाद अगर बी आ रहा है, मतलब पैसिव वॉइस तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये टॉलरेबल है, ठीक है। दैट कैन ओनली बी कंपेयर्ड, जिसकी तुलना हम कर सकते हैं टू द डीपेस्ट नोटेस्ट ऑफ, डीपेस्ट नोट्स ऑफ थंडर, बहुत ही
बड़े मतलब झटके थंडर मतलब बिजली के झटकों से कर सकते हैं, है ना। उसके बाद रिपीटेड जो कि दोहराए गए, एंड ईच टाइम द अर्थ, हर बार जो अर्थ है, अब इसके बाद खत्म, मतलब जेड के बाद कोई सेंटेंस नहीं, ये सेंटेंस पूरा है ही नहीं, ईच टाइम द अर्थ, तो आपको जेड को पूरा करना पड़ेगा, मतलब जेड को लास्ट में नहीं लेना, जेड को जो लास्ट में लिया ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल है, क्योंकि एंड ईच टाइम द अर्थ, और हर बार पृथ्वी, पृथ्वी क्या, ये तो सब्जेक्ट ही हो रहा है केवल, अभी हेल्पिंग वर्ब कुछ तो है ही नहीं, तो अब आपको क्या करना है, जेड को लास्ट में नहीं लेना, बाकी आपके बचे ये तीन ऑप्शन। तो आपने देखो वाई से स्टार्ट किया था यहाँ पर, अब आप जरा जेड से स्टार्ट करके देखिए, फिर वाई से हमने पढ़ा था भाई, हमने थ्री टाइम्स दिस वाज, फिर वाई पढ़ा था, अब हम जेड से पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, थ्री टाइम्स दिस वाज, तीन बार ये है, दिस वाज रिपीटेड, ये मतलब रिपीट किया गया, तीन बार ये रिपीट हुआ, एंड और हर, और ईच टाइम, हर बार दिस अर्थ, सॉरी द अर्थ, जो पृथ्वी थी, अब शूक विद द नॉइज, हिली विद द नॉइज, आवाज के साथ, यहां सेंस दे रहा है, ये तीन बार घटित हुआ, तीन बार रिपीट हुआ, और हर बार पृथ्वी हिली विद द नॉइज, शोर के साथ, दैट कैन ओनली बी कंपेयर, जिसको केवल कंपेयर किया जा सकता है विद द डीपेस्ट नोट्स ऑफ थंडर, बिजली के बड़े झटकों से, है ना। तो अब यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर आपको सीधी सी बात है, कंपेयर भी हो गया, और कैन के साथ ये भी सेटिस्फाइड हो गया, और अर्थ ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की वर्ब ये थी, और ये भी सेटिस्फाइड हो गई, दिस वाज रिपीटेड, हेल्पिंग वर्ब ये भी सेटिस्फाइड, सब कुछ सेटिस्फाइड, मतलब कहने का आपको जेड से शुरू करना है, और एक्स वाई के बाद एक्स, वाई के बाद एक्स, तो ये कैन से ही रिलेट हो रहा है, कि कैन के बाद बी कंपेयर्ड आ रहा है, तो वाई के बाद एक्स पक्का था, वाई के बाद एक्स इसमें था, और वाई के बाद आपका एक्स इसमें था, तो ये हमारा जेड लास्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अर्थ को भी सेटिस्फाई करना है, अर्थ नाउन है, तो उसके ऑब्जेक्ट और वर्ब वगैरह सब तो होनी चाहिए ना, तो वो है नहीं, तो मीन्स कहने का आपका क्या हुआ, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आपका जेड से स्टार्ट है, रिपीटेड, उसके बाद सब कुछ सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, तो इतना दिमाग इसमें लगाना था, जो आपने लगा लिया। आगे हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 में आप देखेंगे एक एक्स वाई जेड और करना है, द काजेस एंड देयर। अब देखिए देयर क्या है, देयर है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आना चाहिए, अब नाउन कहां है, ये तो प्रीपोजिशन है, तो ये हो नहीं सकता एक्स शुरू में। अब वाई कह रहा है वन ऑर्डर, तो एक आदेश, तो ये हो सकता है इफेक्ट्स प्रभाव, आप देखेंगे वन ऑर्डर या इफेक्ट्स दोनों ही नाउन है, दोनों में कौन सा बेटर है, दिस काजेस एंड देयर वन ऑर्डर, मतलब दिस काजेस एंड देयर वन ऑर्डर, उनका एक वे कारण और उनका एक आदेश, दे स्टैंड, अब उसके बाद तो सेंटेंस पूरा ही नहीं है, मतलब कहने का सीधा डाल दिया फिर कॉमा से अलग कर दिया, तो ये क्या बात हुई, चलो ठीक है, हो भी सकता है, मान लो कोई कंस्ट्रक्शन हो, पूरा सेंटेंस लिखे तब पता लगे, इफेक्ट से भी पढ़ लीजिए जरा, दी द काजेस एंड देयर इफेक्ट्स, कारण और उसके प्रभाव, तो ये मैच भी कर रहा है भाई, ऐसा होता है कारण और प्रभाव, या आप ये पढ़ते हो फ्लो में सेंटेंस, है ना, ये अक्सर हिंदी में हमें पढ़ने को मिलते हैं, देयर काजेस एंड देयर इफेक्ट्स बिलोंग टू कारण और उनके प्रभाव संबंधित होते हैं, बिलोंग्स टू द वन ऑर्डर, एक ऑर्डर से, दे स्टैंड इन द एक ऑर्डर, मतलब यहाँ पे क्रम पढ़ना है आपको, ठीक है, मतलब कहने का कारण और उसके प्रभाव संबंधित होते हैं वन ऑर्डर, एक क्रम में, एक क्रम से, दे स्टैंड इन द सेम सीरीज, और वो एक ही सीरीज में खड़े रहते हैं, स्थित होते हैं, तो इफेक्ट्स के बाद वाई, वाई के बाद एक्स है, जेड वाई एक्स है कहीं, जेड वाई एक्स ये दिया हुआ, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इफेक्ट्स आपका इंडिकेट करता है द काजेज एंड देयर इफेक्ट्स, बहुत ही ज्यादा मैचिंग वाले सेंटेंस है, तो ये दोनों बहुत ही क्लोज होंगे 23 के बाद जेड। आप कहेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा, ये आपको लॉन्ग रीडिंग से पता लगेगा, अगर नहीं पता लगता तो आप आगे पढ़ लीजिए, बिलोंग्स टू द, अब देखिए टू द आया, तो टू द के बाद आप बताइए कि टू द के बाद क्या, फिर इन द आ जाएगा, जेड के बाद एक्स ले लोगे, कभी नहीं ले पाओगे, तो जेड के बाद क्या लोगे, जेड के बाद आप ये क्वेश्चन तो ले नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले तो यही होगा, तो टू द के बाद वाई ही तो बचेगा, टू द के बाद क्या बचेगा, वाई बचेगा, अब बताइए कि जेड के बाद वाई किस किस सेंटेंस में, इसमें जेड के बाद वाई दूर है, नहीं है तुरंत, यहाँ जेड के बाद वाई नहीं है, यहाँ पर जेड के बाद वाई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जेड के बाद वाई है, तो आप बताइए क्या कारण है कि इस क्वेश्चन को, इस वाले ऑप्शन को नहीं लेंगे, आप ऐसे भी मिला लीजिए कि बिलोंग टू द, अब द के बाद एक्स आ नहीं सकता, वाई ही तो आएगा, तो और यहाँ पे छोड़ लास्ट में सेंटेंस लिख नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल द लास्ट में कभी आता नहीं, सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, तो जेड के बाद वाई लेना है, जो कि एक ही ऑप्शन में, तो आपको फोर्थ कर देना है, बहुत सारे रीजन है इस ऑप्शन को चूज करने के, ऐसे ही हर एक में क्लू होते हैं, पैराजम्पल्स को छोड़ के बाकी PQRS जो होते हैं, एक्स वाई जेड PQRS जो आपके रीअरेंज होता है, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट होता है, वो सब बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, कुछ होते हैं और वो तो अपवाद होते ही हैं, अब इतना तो करेगा ही एग्जाम में, एग्जाम ले रहा है, मजाक थोड़ी ना कर रहा है आपके साथ। सुनीता विल बेक 2 dozen cupcakes फॉर द बेक सेल, है ना, तो फॉर द बेक सेल, बेकिंग ऑफ सेल, अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है 2 dozen cupcakes, ये ऑब्जेक्ट है, इन्होंने एडवर्ब पहले डाल दिया, फॉर द बेक सेल,
फॉर द बेक सेल, और यहाँ कह रहा है बेकिंग ऑफ 2 डजन, तो बेकिंग वर्ब कहाँ से आ गई, मतलब कहने का कि बेक जो है ये वर्ब, वर्ब को ये पहले ही सब्जेक्ट बना दे रहा, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। वर्ब को सब्जेक्ट क्यों बनाएगा, वर्ब को वर्ब के रूप में ही लिखे। फॉर द बेक ऑफ सेल, सेल की बेक के लिए एडवर्ब आपने पहले रख दिया, कोई इशू नहीं है, चलता है, ठीक है, हो जाता है। एडवर्ब को बाद में रखो चाहे पहले रखो, ठीक है। तो 2 डजन कुकीज, यहाँ पे कुकीज कर दिया कप केक की जगह, लेकिन देखिए कप केक की जगह कुकीज, अगर हम कहें कि हम चलो हम नहीं लेंगे कप केक ही लेंगे हम, तो चेक कर लीजिए कप केक किसमें, कुकीज 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 और ये भी कुकीज, जब सभी को कप केक की जगह कुकीज किया है तो आपको कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, कोई एतराज नहीं, चलो ठीक है उसने कर दिया, जब सब में किया है चेंज तो कोई इशू नहीं है ना। हम अगर अपने से आप इसका पैसे बनाते तो हम कप केक ही लेते, लेकिन यहाँ पे कुकीज कर दिया तो कोई इशू नहीं है। 2 डजन कुकीज, अब देखिए विल है तो विल विल का क्या होगा, विल भी होगा पैसिव, तो विल भी इसमें दिया है, यहाँ पर इस दिया है, मतलब ये कैंसिल हो गया, और ये दोनों पहले से कैंसिल, मतलब एक ऑप्शन बचा जो कि आपका सही होगा। फॉर द बेक सेल 2 डजन कुकीज विल बी बेक बाय सुनीता, 2 डजन कुकीज जो है वो सुनीता के द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है। तो आपने टेंस मैच करके और थोड़ा सा दिमाग लगा के सब्जेक्ट वाला कर लिया। मैं यहाँ पर एक चीज आपको इश्यू करना रेज करना चाहूंगा, 2 डजन कपकेक्स, ठीक है ना, आप इसे ध्यान से देखेंगे, 2 डजन्स नहीं है, डजन है, ठीक है। आपका क्या है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव है, और फिर आपका पहला नाउन डजन, दूसरा नाउन कपकेक्स, तो डजन क्या है, सिंगुलर है। ये चीज मैं एडिटोरियल में भी रेज करता रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं आपके लिए रेज कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं 25 नंबर, और हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वो आपको नॉलेशन मिलने वाला है, ठीक है। अभी हमने एक्टिव पैसिव किया था, तो इसमें मैं क्वेश्चन नहीं लिखता कि है क्या, क्योंकि जनरली समझ में आ जाता है, क्वेश्चन लिखेंगे तो वर्ड्स और छोटे हो जाएंगे और हो सकता है आपको प्रॉपर देखने में प्रॉब्लम हो, तो जितना कोशिश होता है हम बड़े से बड़े लिखते हैं। एक तो पहले मतलब कहने का आप समझ रहे हैं कि एक छोटी सी स्क्रीन में लोग मोबाइल फोन में भी देखते हैं वीडियो, है ना, आप फुल स्क्रीन करके देखते हैं नहीं कर पाते हैं ना, या फिर आप वैसे ही देखते हैं, तो कंटेंट आपको पूरा पूरा दिखना चाहिए, तो उसके लिए मैटर को प्रॉपर मतलब कहने का उसका साइज होना ये भी बहुत जरूरी है, तो हम बहुत ही कंसाइज करके बहुत सोच समझ के सेट करना पड़ता है, इसमें भी बड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपको बेनिफिट होता तो हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। 25 नंबर आप देखेंगे, माई मदर सेड टू माई फादर, मेरी माँ ने मेरी पापा से कहा, आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, अक्सर ही होता है मम्मी लोग कहती है, ठीक है। तो नाउ का आप देखिए, नाउ आपका टाइम एडवर्ब है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में मतलब टाइम एडवर्ब चेंज होगा। मैं आपको रूल बता दूं, टाइम एडवर्ब हर जगह चेंज नहीं होता, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट का होता, ठीक है, और यहाँ भी प्रेजेंट का सेंटेंस दिया है, तो प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये टाइम एडवर्ब चेंज नहीं होगा, नाउ का नाउ ही रहेगा, नाउ इंडिकेशन है प्रेजेंट का, देन इंडिकेशन है पास्ट का, तो चूंकि हम पास्ट टेंस में जा रहे हैं तो हमें पास्ट में सेंटेंस करना पड़ेगा, तो ये टाइम एडवर्ब भी पास्ट का होना चाहिए, इसलिए देन कर देते हैं, ठीक है। और टाइम एडवर्ब एक इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है जिसको हमें चेंज करना ही करना है, तो नाउ का देन देख लीजिए आप, नाउ का नाउ यहाँ है, देन यहाँ है, देन यहाँ है, नाउ यहाँ है, मतलब पहला चौथा ऑप्शन तो आप सीधे से खारिज कर देंगे, ठीक है, तो आपने काट दिया। अब आपका बचा क्या, दूसरा और तीसरा। अब इसमें देखेंगे, माई मदर सेड माई फादर, माई मदर टोल्ड माई फादर, यहाँ तक सेम है, दैट दैट ही शी वाज, अब सी आई एम लिखा है, रिपोर्टिंग में पास्ट की तो एम का वाज होगा, तो इज लिखा है यहाँ पर और यहाँ लिखा है वाज, ठीक है, तो इज कट जाएगा आपका और वाज आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का कलेक्शन, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो के जो क्वेश्चंस है वो समझ में आए होंगे, क्लोज टेस्ट भी अच्छा लगा होगा, तो बताइए हमें कैसा लगा, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, है ना, और बार बार रिपीट कीजिए, एक बार में तैयार नहीं होता दूसरी बार तैयार करिए आप, है ना, लेकिन उन्हें अच्छे से तैयार करिए कि अब ऐसा ना हो कि आप हमें पढ़ाया, आपने पढ़ भी लिया, एग्जाम में बैठ करके आपको याद आ रहा है कि यार ये तो हमने पढ़ा था वीडियो में और आपको आ रहा ही नहीं है ना, तो आपका तो टाइम लॉस हुआ ही जो आपने वीडियो देखा है ना, और साथ में आप कर भी नहीं पाए तो आपका बेनिफिट नहीं हुआ, तो आपको बेनिफिट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही होती है, आप वीडियो देखें किसी और की देखें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी देखें या ना देखें, लेकिन आपको पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है। और अभी एग्जाम नहीं है तो आप प्रॉपर रूप में देख सकते हैं, जब एग्जाम आपका आ जाएगा उस समय आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं रहेगा, तो बेहतर यही कि अभी जो आप कलेक्ट कर सकते हैं मटेरियल इधर उधर से जो स्टार्टिंग के हैं, तो उनको अभी कलेक्ट कर लीजिए, और बाकी बात के लिए मत छोड़िए, एग्जाम में आप सब कुछ बंद करके, कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपना पढ़ेंगे आप और अपनी सेल्फ स्टडी करिए, जो आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करिए। अभी तो एग्जाम की डिक्लेयर डेट भी नहीं है कि पता नहीं पोस्टपोन होगा क्या होगा, तो अभी आप बेहतरीन ढंग से जितना भी सर्च कर सकते हो पढ़ लीजिए, जब एग्जाम की डेट हो जाती है क्लियर और आपको 1 महीने बचता है, आप सब बंद करके सिर्फ अपना रिवीजन पे ध्यान देंगे, 1 महीने 15 दिन पहले से कम से कम, ठीक है। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी तरह, और तब तक आप पढ़ते रहिए जोर और बिल्कुल जोर लगा करके, ताकि आपका अच्छा मार्क्स आए, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।